अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को पाक क्रिप्टो बॉस के अंदर एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो है फॉरसेज के बारे में बात करेंगे हम। फॉरसेज जो है किस तरह से आपने अर्निंग करनी है, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे अर्निंग लोगों की हो रही है $10, $5, ये वो। तो ये किस तरह से हो रही है और किस तरह से इसके ऊपर काम करना है, ये सारा जो है सेटअप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है एक चीज़ आप अपने माइंड में रख लें कि इसके अंदर दो तरीके से अर्निंग होती है, ठीक है। एक नंबर वन ज़्यादा पैसा लगा के, नंबर टू थोड़ा पैसा लगा के लेकिन टीम बना के, ठीक है। दो दो मेथड हैं। तो आपने किस तरह से अर्निंग करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। नंबर वन ये है कि अगर आपने आपके पास टीम है, आप रेफर कर सकते हैं, लोगों को कन्वेंस कर सकते हैं, तो देन ओके, थोड़े पैसों से आप बहुत ज़्यादा आप पैसे से कमा सकते हैं, मतलब लाखों में आप आराम से जा सकते हैं इसके अंदर सुकून से। तो दूसरे नंबर पे ये है कि आपके पास अगर बिग अमाउंट है, आप काम नहीं करना चाहते, तो फिर भी आप इसके अंदर कमा सकते हैं। तो वो कैसे कमा सकते हैं, आपके जो है अपलाइन जो है वो वर्क हार्ड वर्किंग करने वाला बंदा हो। ये नहीं है कि आप जिसके अंडर काम कर रहे हो वो ऊपर से कोई काम नहीं कर रहा और आपने वैसे खामा फजूल में पैसा लगाया हुआ है ज़्यादा, तो भी आपका पैसा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। हाँ, अगर आप मेरे अंडर काम करेंगे तो डेफिनेटली मैं तो जो है मैं तो काम करने वाला हूँ, बहुत आगे इंशाल्लाह इस काम को लेके जाएंगे। तो अगर मेरे अंडर आपने काम करना है तो आप अपनी अगर टीम बनाना चाहते हैं और, तो डेफिनेटली ये सबसे अच्छी बात है, थोड़े पैसों में काम हो जाएगा आपका। अगर आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट है। हाँ, अगर थोड़ा पैसा है, आप टीम नहीं बना चाहते, तो फिर आपका जो है पैसा वो वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं हम कि फॉरसेज है क्या चीज़। फॉरसेज एक क्रिप्टो करेंसी जिस तरह बिटकॉइन वगैरह जी है, तो ये एक क्रिप्टो करेंसी है। सेम टू सेम ये भी उसी जो है ब्लॉक चेन्स पे काम करता है फॉरसेज। तो इसके अंदर तीन ब्लॉक चेन्स काम करती हैं। नंबर वन पे जो है इथीरियम पे काम करता है ये, नंबर टू बैनांस स्मार्ट चेन पे काम करता है, नंबर थ्री ट्रॉन ट्रॉन एक्सचेंज ट्रॉन जो है उसके ऊपर काम करता है, वो भी ब्लॉक चेन है ट्रॉन भी। तो इन तीन पे काम करता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो किस तरह से ज्वाइन करना है, सबसे आसान जो मेथड है मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर किस तरह से आपने ज्वाइन करना है। आपने जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने ट्रस्ट वॉलेट लिखना है। ट्रस्ट वॉलेट लिखने के बाद ये आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट आपका हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट सर्च करना है। एक मिनट, ट्रस्ट वॉलेट में लिखता हूँ। यहाँ पे आपने ट्रस्ट वॉलेट आपका इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल न्यू है, तो यहाँ पे आपने जो है क्रिएट अ न्यू वॉलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉलेट करेंगे, यहाँ पे आप चेक कर देंगे, चेक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके यहाँ पे एक कोड मांगेगा, यहाँ पे पास कोड आपने लगाना है कोई भी 4 डिजिट का अपनी तरफ से। तो मैंने यहाँ पे पास कोड लगा लिया, ठीक है। पास कोड लगाने के बाद जो है मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं टर्म एंड कंडीशन, इसको आप एग्री कर लें। इफ़ आई लॉस माई सिक्योरिटी माई फंड बिल, मतलब ये लॉस्ट है, इसके अंदर जो है आपको की मिलेंगे, की फ्रेज मिलेंगे, वो अगर आपने लॉस्ट कर दिए तो आपका जो है सारी मनी यहाँ पे डूब सकती है, ठीक है। तो ये आपने संभाल के रखनी है चेक। तो उसके बाद ये सारा कुछ आप पढ़ें, सीक्रेट कीज जो मिलती हैं वो आपने संभाल के रखनी है, ठीक है। वो आपकी रिकवरी है, कल को मोबाइल आपने चेंज किया है, जो सारा कुछ चेंज किया, वो रिकवरी कीज जो है आपके पास कहीं किसी पेज पे लिखी पड़ी हो, या आप कहीं और किसी और जगह पे संभाल के, गूगल ड्राइव में या कहीं भी संभाल के रख सकते हैं, वो रखनी है अपने पास, ठीक है। ये आप देखें की फ्रेज, मेरे पास की फ्रेज आ गए हैं, ठीक है। ये 12 है, ठीक है। ये मैं कॉपी करके रख लूंगा अपने पास, और यहाँ पे जो है आपने आगे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने की फ्रेज ये आएंगे, तो वो जो की फ्रेज हैं लाइन में एक एक करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वही एक दो, एक पहले नंबर पे कौन सा था, दूसरे नंबर पे कौन सा था, तीसरे नंबर पे कौन सा था, 12 के 12 जो है तरतीब वाइज आपने यहाँ पे टैप करते जाएं तो ये सिलेक्ट होते जाएंगे। तो इस तरह सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे डन कर देना है। अच्छा, तो गाइज ये है, मैंने जो है अपना जो है की फ्रेज जो भी मिले थे वो मैंने वन बाय वन सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे डन कर देना है। डन जैसे ही करूँगा तो मेरा जो है ये अपना वॉलेट बन जाएगा, यहाँ पे ये वॉलेट बन गया आपका, ठीक है। ये आपका परमानेंट वॉलेट है।
तो ये ऐसा वॉलेट है, जैसे बैंक अकाउंट होता है सेम टू सेम क्रिप्टो का ये वॉलेट है। इसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं इसके अंदर बआसानी। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो है फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए हमें ये स्मार्ट चेन चाहिए, तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 डॉलर्स के ये चाहिए हमें, ठीक है। और इसके साथ हमने BUSD चाहिए। तो BUSD कैसे करना है, ऐड करना है टोकन पे, हम ऐड टोकन, टोकन नीचे लिखा हुआ इस पर टैप करना है। टोकन लिखने के बाद यहाँ पे BUSD अपने टैप करना है, ठीक है। BUSD टैप करना है तो ये सेकेंड नंबर पे देखें, BUSD नीचे लिखा हुआ है BEP20, ठीक है। BEP20 लिखा हुआ है, ये हमने टाइप करना है। ERC20 हमने नहीं करना, हमने BEP20 सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको हमने ऑन कर देना है, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हमने फिर बैक जाना है। तो ये देखें थर्ड नंबर पे ये हमारे पास आ गया है BEP20। तो मैं यहाँ से ये बिटकॉइन चिटकॉइन जो है इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इथेरियम को भी रिमूव, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गए। तो इसके अंदर अब जो है डॉलर्स कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। ये जो है क्या नाम है, आपको मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि डॉलर आपने कैसे कहाँ से परचेज करने हैं और कहाँ से ऐड करने हैं इसके अंदर, वो सारा मेथड जो है, क्योंकि आप लोगों को जो है मैंने बताना है वन टू ऑल, किसी के मतलब मुताज आपने नहीं रहना, ठीक है। आपने खुद से डॉलर बाय करने हैं, डॉलर सेल करने हैं, किसी को ये नहीं कहना यहाँ पे मेरे डॉलर हैं आप यहाँ पे जाके बाय कर लो, यहाँ पे ये लो ये सेल कर दो, ये मेरे बाय कर दो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए बैनास, बैनास स्मार्ट चेन, वो बैनास जो है स्मार्ट चेन इसी का चेन है, और ये है एक वर्ल्ड वाइड जो है एक क्रिप्टो एक्सचेंज है बैनास, ये भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, यहाँ प्ले स्टोर पे, यहाँ पे लिखेंगे बैनास, बायनास लेंगे सबसे बड़ी ये है, ठीक है। यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके ओपन करके यहाँ पे आपने अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है, वो सिंपल तरीका है, उसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है अकाउंट क्रिएट करने में। अच्छा तो इसके बाद क्या है, इसके बाद सीन जो है, अगर किसी को दुश्वारी आ रही हो, अगर ये काम में नहीं पड़ना चाहते, तो फिर हम हैं, हम आपको कर देंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके बाद हमने जाना है, यहाँ पे नीचे वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट में जाने के बाद ऊपर लिखा हुआ फंडिंग, फंडिंग में जाना है। फंडिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है P2P, P2P ट्रेडिंग में हमने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे डॉलर्स पड़े हैं, ठीक है। हमने यहाँ से डॉलर परचेज करने हैं। तो यहाँ पे देखें 245 टू 243, तो यहाँ पे देखें डॉलर्स पड़े हैं, तो हमने डॉलर यहाँ से लेने हैं। तकरीबन मैं ऑलमोस्ट 20 डॉलर ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। 20 डॉलर परचेज मैं कर लेता हूँ, तो मुझे थोड़े और भी ज़रूरत पड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने बेट देखनी है, या यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 244, और नीचे प्राइस आ रही है लिमिट 3, कम से कम जो है ऐसे 30,000, आप 30,000 की आप डॉलर ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2,15,000 की ले सकते हो। तो हमने कम से कम 30,000 की नहीं लेनी, हम जो है हमारी रेंज कम है, हमने 5,000 का लेना है। 5,000 वाला को बंदा ढूंढ रहा हूँ जिसने लगाया हुआ, को कम से कम 5,000 की हमसे ले लो, तो मैं वो वाला बंदा ढूंढ रहा हूँ नीचे। अच्छा गाइस, यहाँ पे देखा है आपने फास्ट ट्रेडर जो बंदा बैठा है, इसके मैंने बाय करना है, तो मैं सोच रहा हूँ 10,000 की बाय कर लूँ, ठीक है। 10,000 मैंने यहाँ पे टाइप किया, 10,000 टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ पे आप इसको चैट भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी है आई एम ऑनलाइन जो प्रोसीड, ओके ओके कर दी, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, आप पेमेंट कर सकते हो। तो मेक पेमेंट में मैंने जाना है, मेक पेमेंट में जाने के बाद ये देखो यहाँ पे इसने दिया जिशान है, जिशान अमजद इसका नाम है, ये कह रहा है कि मीज़ान बैंक है इसका, और ये अकाउंट नंबर उसने दिया, मैं अकाउंट नंबर इसने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ट्रांसफ़र जो है इस पर टैप कर देना है। इसको टैप करने के बाद जो है मैंने जाके अपने मीज़ान में जाके इसको 10K जो है इसको मैंने सेंड कर देना है, और इसके लिए स्क्रीनशॉट जो है मैंने इसको दे देना है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे मिज़ान पे जाना है, मिज़ान पे जाने के बाद इसको भेज दूँ BNB, वैसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10,000 रुपये इसको मैं नेक्स्ट करके इसको मैं पे कर देता हूँ, ठीक है। ये मतलब ये फ्रॉड वाला, इसमें कोई भी चक्कर नहीं है। आपने 10,000 रुपये मैंने आपके सामने भेज दिए, 10,000 रुपये मैंने भेज दिया इसको। भेजने के बाद जो है मैंने यहाँ पे आना है, चैट में आना है। चैट में आने के बाद जो है ये प्लस का आइकन लिखा हुआ है, मैंने स्क्रीन शॉट पर जाके इसको, स्क्रीन शॉट पर आके मैंने इसको स्क्रीन शॉट दे देना है।
ये देखिए मैंने स्क्रीन शॉट सेलेक्ट करके मैंने इसको भेज दिया है। मैं उसको इंग्लिश में लिख सकते हो, उर्दू में लिख सकते हो, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ आपके लिए। तो मैं कहता हूँ कि पेमेंट सेंड हो गई है, प्लीज़ चेक कर लें। ये मैंने भेज दिया और अपने साथ में लिखता हूँ कि डॉलर्स रिलीज कर दें। तो ये मैंने उसको मैसेज जो है भेज दिए, ठीक है। जैसे ही वो अब चेक करेगा, उसके बाद पेमेंट आ गई है, पेमेंट आने के बाद जो है वो मुझे डॉलर जो है मेरे रिलीज़ कर देगा। तो अभी मैं थोड़ा वेट करता हूँ, जैसे ही डॉलर जो है मेरे रिलीज़ होते हैं तो बाकी जो है फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ चुका है, ये आपका P2P ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 40.93 USD उसने रिलीज़ कर दिए हैं। तो मैं बैग जाता हूँ, ठीक है। बैग जाने के बाद जो है इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो मेरे पास 41 ब्ला ब्ला इतने आ गए हैं, ठीक है। इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, ट्रांसफ़र कर लेता हूँ मैं अपने स्पॉट पे, फंडिंग से डायरेक्ट इधर स्पॉट में आ जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ USD जो भी है अपना सेलेक्ट करके आपने ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये ट्रांसफ़र हो गया। तो अब जो है हमने आना है स्पॉट के अंदर, स्पॉट में रिफ़्रेश देखे ये आ गया। तो यहाँ पे जो है हमने अब ट्रेड करना है, उसको एक्सचेंज करना है BUSD के अंदर। BUSD में हमने करके यहाँ पे हमने मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करने के बाद जो है हमने यहाँ से हमने परचेज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास परचेज हो गया है BUSD। BUSD हमारे पास परचेज हो गया है। BUSD परचेज होने के बाद हमें BNB चाहिए, ठीक है। हम यहाँ इसी से हम BNB भी ले लेते हैं थोड़े से। ये जहाँ पे देखें BUSD, BNB, BUSD यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आगे जो है हमने $10 के BNB में, $10 के नहीं, छः 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 ये ले लेता हूँ, 6-7, 6 या 7 के मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इतने मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जी हाँ, मैं 10 के ही ले लेता हूँ, ठीक है। 10 के मैं ले लेता हूँ। 10 के मैं लेने के बाद जो है मैंने ये बाय करना है, तो मेरे पास BNB आ जाए। अच्छा सॉरी, 10 से ऊपर की परचेजिंग होगी, मैं 11 की ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर लग गया, ये अभी BNB मेरे अकाउंट में आ जाएंगे इंस्टेंटली, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मेरे BNB, देखो $11 के मेरे BNB आ गए, और ये देखो यहाँ पे BUSD मेरे पास आ गए 30, ठीक है। तो अब हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए ये सबसे पहले ये जो है BUSD पहला पहला सॉरी ये सेकंड नंबर पे BNB स्मार्ट चेन जो लिखा हुआ है, BNB स्मार्ट चेन हमने यहाँ पे जाना है। BNB स्मार्ट चेन में जाने के बाद हमने रिसीव एड्रेस कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद हमने जाना है यहाँ पे BNB के अंदर, BNB में जाना है। BNB में जाने के बाद हमने विड्रॉल लगाना है, ये पहले नंबर पे सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे जाना है। यहाँ पे जाके हमने एड्रेस अपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये BNB स्मार्ट चेन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने मैक्सिमम करके हमने इसको विड्रॉ लगा देना है। विड्रॉ हमारा हो जाएगा, पासवर्ड साथ जो भी कोड मांग के वो हमारा विड्रॉ जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये देखें मैंने विड्रॉ सक्सेसफुल कर दिया है इसका, BNB का मेरा विड्रॉ हो गया, ठीक है। थोड़ी देर में जो है मेरा उधर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ये पहुंच जाएगा। तो अब BNB का विड्रॉ हो गया है। तो अब जो है मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाके अब BUSD मैंने उसके अकाउंट के अंदर मैंने भेजने हैं, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने BUSD भेजने, सबसे नीचे नीचे BUSD पड़ा है, ठीक है। BUSD में जाना है, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे हमने कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी हो गया एड्रेस। कॉपी होने के बाद जो है हमने क्या करना है, दोबारा से इधर जाना है। इधर आने के बाद ये BUSD यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। BUSD में हमने जाना है। BUSD में जाने के बाद यहाँ पे हमने विड्रॉ पे जाना है। विड्रॉ पे जाने के वाया क्रिप्टो के अंदर जाके हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद जो है यहाँ पे पहला पहला हमने स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये स्मार्ट चेन पहला पहला लिखा हुआ है BEP20, BEP20 भी हमने सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद जो है हमने ये अपने डॉलर जो है जितने भी
$30 है, मैं $30 नहीं भेजता, मैं यहाँ से जो है $20 में भेज देता हूँ, ठीक है, या 25 25 में भेज देता हूँ। ओके, $25 में भेज देता हूँ यहाँ से। $25 मैंने भेज दिया। भेजने के बाद मैं विथड्रॉ पे जाता हूँ। विथड्रॉ पे जाने के बाद ये सारा कुछ चेक कर लें, स्मार्ट चेन का एड्रेस है आपका, ओके, और यहाँ पे Web20 एड्रेस आ रहा है। तो ये देखें, 25 BUSD का भी मैंने विड्रॉ लगा दिया यहाँ से। तो वो देखें, BNB जो है सक्सेसफुल हो गया, ग्रीन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो BNB हमारा कंप्लीट हो गया। तो सीन क्या है कि हम जाके देखते हैं कि BNB जो है हमारा इधर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करें तो BNB स्मार्ट चेन जो है हमारा यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी हमें वेट है कि BUSD भी यहाँ पे पहुँच जाए। यहाँ पे पहुँच जाए तो इतने में क्या है, हम यहाँ पे फॉरसेज जो है ओपन करते हैं। अच्छा, तो गाइज यहाँ पे हमारे डॉलर्स आ गए हैं, डॉलर्स भी आ गए हैं, स्मार्ट चेन भी आ गए। हमने जाना है डैप्स में जाना है। डैप्स में जाने के बाद जो आपको लिंक दिया जाएगा वो आपने यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद जो है यहाँ पे आपने HTTP जो फॉरसेज से आगे जो चीज़ है वो कट करके आपने गो कर देना है, ठीक है। ऊपर से आपने स्मार्ट चेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऊपर से इथीरियम होगा, इथीरियम की जगह आपने स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्मार्ट चेन सिलेक्ट हो गया। स्मार्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। उसके बाद जो है ID जो है आपने नोट कर लेनी है, कौन सी है ऐसी कि 4264233, ठीक है। यहाँ पे हमने रजिस्टर पे करेंगे। रजिस्टर पे करने के बाद जो है सीन क्या है, अच्छा यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद सीन क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर 0.3 BNB, ठीक है। यहाँ पे फीस आ रही है, लेकिन हमने ये अप्रूव BUSD, पहला पहला ऑप्शन जो है हमने यहाँ पे BUSD से अप्रूव करना है, ठीक है। हमने BUSD पे टैप करना है, BUSD पे टैप हो के हमने यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है थंब लगाना पड़ेगा, थंब आपने लगा दिया। थंब लगाने के बाद जो है थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। तो ये देखें, यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन हो गई है, ये ट्रांजैक्शन सेंड हो गई है। अप्रूव जो है, अप्रूव के ऊपर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रूव भी हो गया, यहाँ पे चेकिंग हो रही है, ठीक है। चेकिंग भी हो गई, डन हो गई। तो पहले पहले जो ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन वाला, दूसरे नंबर पे नहीं करना, पहला पहला जो रजिस्ट्रेशन वाला आ रहा है हमने इस पे टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद जो है यहाँ पे ये इतनी फीस कट रही है, अप्रूव पे आपने टैप करना है। यहाँ पे थम आपने लगाना है। थम लगाने के बाद जो है ये यहाँ पे आपका अप्रूव जो है हो जाएगा, ये एक्टिव एक्टिव हो जाएगा। 3x और 4x प्लान जो है आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन मेरी ऊपर डन हो, ये टिंग टिंग की आवाज़ जो यही आ रही है, मतलब जो है ट्रांजैक्शन यहाँ से अप्रूव हो जाती है अभी। तो यहाँ पे देखें नीचे एक्टिवेट एक्स एक्सेस लिखा हुआ है, तो ये देखो ये ब्लू हो गया, ब्लू हो गया तो हमारी जो है एक्टिव हो गई है, ठीक है। ID हमारी जो है बन चुकी है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद जो है हमने क्या करना है, हमने बैग जाना है। बैग जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट कर देखता हूँ कि हमारे BUSD जो है हमारे कट गए हैं 10, सॉरी हाँ 10 15 25 से 10 रह गए हमारे पास। तो अब हमने अपना जो है फॉरसेज लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी को भी टैप कर सकते हैं फॉरसेज पे, या आपने या फिर लिखना है अपना, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे forsage.io यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पे लॉग इन टू योर अकाउंट आपने यहाँ पे टैप करना है, लॉग इन इन BUSD यहाँ पे हमने टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद जो है मेरा अकाउंट यहाँ पे ये लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगेन उन्होंने यहाँ पे लॉग इन टू योर अकाउंट करना है, यहाँ पे अप्रूव मांग रहा है साइन इन। तो यहाँ पे हमने एक थंब लगाना है। थंब लगाने के बाद जो है ये मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है बन चुका है, ओके। अच्छा, तो इसके बाद जो हमने क्या करना है, यहाँ पे ID लिखी हुई है। ID के बाद जो है यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद हमने नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद जो है निक नेम लिखा है, तो यहाँ पे मैंने अपना निक नेम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना निक नेम डाल दिया है। निक नेम डालने के बाद हमने फिर बैग जाना है। बैग जाने के बाद देखें स्वेप जोन जो है मेरा यहाँ पे निक नेम आ चुका है, ओके। तो ये थी सिंपल सी वीडियो, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है, आपने इसमें आपने ये करना है कि
किसी भी बंदे को ज्वाइन करना है सेम टू सेम यही प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। यहाँ से आपने अपना लिंक कॉपी करना है, यहाँ से आपका लिंक कॉपी हो जाएगा, कॉपी करने के बाद आपने लिंक अपना दे देना है आगे, देने के बाद अगले बंदे को सेम टू सेम वैसे ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आपने ज्वाइन करवाने हैं और अपनी टीम जो है आपने बिल्ड करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। तो उसके बाद जो है ये प्लेयर है 3x 4x, ठीक है, ये ऑलरेडी आपके एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आगे टीम बनानी है, बाकी जो है किसी भी चीज़ का कोई समझ नहीं आएगी मेरे से आप लोग ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो ये एक्स गोल्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे देखा वो एक्स गोल्ड, तो ये मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने पास खुद के, मेरे पास पेमेंट पड़ी है तो मैं इसलिए एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, खुद से। तो आप लोग इसको एक्टिवेट नहीं करना, मैं कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये मैं एक्टिवेट यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट पे मैंने टैप किया, एक्टिवेट पे टैप करने के बाद जो है ये फीस कट रही है, ये यहाँ पे जो है एक्टिव हो गया है, 1 मिनट ट्रांजेक्शन हो रही है। इसको मैं एक्टिवेट पे टैप करूँगा, एक्टिवेट पे टैप करने के बाद अप्रूव करना है, अप्रूव करने के बाद जो है अगेन जो है 1 मिनट ये ब्लॉकचेन की कन्फर्मेशन अभी चलेगी यहाँ पे। तो ठीक है, ये देखें अपग्रेड हो चुका है मेरा, ठीक है, गोल्ड लेवल। तो मैं जो है इसको ओके कर लूँगा। तो ये देखें यहाँ पे अपग्रेड मेरा हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं, एक तो है मेरे पास X3 हो गया, X4 हो गया, और XXX मैंने नहीं किया, एक्स गोल्ड कर लिया, ठीक है। तो ये एक्स गोल्ड जो है ये यहाँ पे मतलब इसमें भी अर्निंग जो है फ्री वाली अर्निंग होगी, ठीक है, मतलब इसमें बगैर काम किए जो है इसमें अर्निंग होगी, मैंने इसलिए एक्टिव कर लिया। तो लेकिन मैं अभी, मैंने टीम बहुत बड़ी बनानी है इंशाल्लाह, मैंने टीम बहुत बड़ी बनानी है, तो इसलिए जो भी मेरे डाउनलाइन में आएगा तो इंशाल्लाह उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इंशाल्लाह ये देखें यहाँ पे 0 प्रॉफिट आ रहा है, तो टीम इंशाल्लाह बनाएंगे बहुत बड़ी। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लें, और जो है आगे जितने बंदों को आप ज्वाइन करवा सकते हैं तो वो आपकी हिम्मत है, कम से कम जो है 3 से 4 बंदे आपने ज्वाइन करवाने ही करवाने हैं, ठीक है। तो बाकी जो है स्लो स्लो मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताता रहूँगा, ठीक है। और अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है, तो सारे मेंबर वहाँ पे ऐड हो जाएं, अगर किसी को कोई भी परेशानी हो किसी चीज़ के बारे में तो डायरेक्ट जो है मेरे से आप रابطہ कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में यही कुछ था। तो वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी क्योंकि डिटेलिंग बहुत ज़्यादा थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।